हेलो एवरीवन, आई एम प्रसाद चांडक फ्रॉम फायर सर्कल प्राइवेट लिमिटेड। और आज जिस कंपनी का एनालिसिस आप लोगों के सामने लेके आए हैं, वो एक पीएसयू स्टॉक है। पीएसयू स्टॉक में आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत अच्छा पोटेंशियल है, और पीएसयू बैंक के ऊपर हम लोग भी बुलिश है। बैंक के अलावा भी दूसरे जितने भी पीएसयू सेक्टर्स से, है पीएसयू इंडस्ट्रीज है, तो अलग अलग सेगमेंट में हम लोग स्टिल बुलिश है। और सर, उसी तरीके का एक एनालिसिस आज हम लोग लेके आए हैं, जिसका एनालिसिस ओम प्रकाश सर करने वाले हैं। और पैनल में हमारे साथ है देवेंद्र सर, मनीष सर, हेलो और हेलो बैकग्राउंड में हमारे मेंटर राहुल सर है। सो सर, विदाउट एनी डिले, लेट्स डायरेक्टली गो ऑन अ चार्ट। एंड आई वुड आस्क ओम प्रकाश सर कि आप चार्ट शेयर कीजिए और एनालिसिस बताइए सर कि सर क्या है लेवल। जी ओम प्रकाश सर, ठीक है। थैंक यू प्रसाद, थैंक यू। चलिए चलते हैं सीधे चार्ट के ऊपर। ये एक शॉर्ट एंड स्वीट एनालिसिस होगा, डेली चार्ट के ऊपर हम करेंगे जी और ढूंढेंगे कोई ट्रेडिंग आइडिया। तो लेट्स गो टू चार्ट। चार्ट विजिबल है मनीष जी? सर, विजिबल हाँ जी प्लीज। सर। ओके, सो ये यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का डेली चार्ट है और देखते हैं कि इस चार्ट के ऊपर क्या हो रहा है। ये उन स्टॉक्स की कड़ी में अगला कदम है जहाँ पे हम पब्लिक सेक्टर की जितनी भी एंटरप्राइजेज हैं उनको एनालिसिस करके और दर्शकों के सामने एक चॉइस रख रहे हैं, एक वाइड चॉइस रख रहे हैं कि किस में वो इन्वेस्ट करें या किस में इस ट्रेडिंग आइडिया को पिक करें। सबसे पहले देखते हैं कि इसके सपोर्ट रेसिस्टेंसेस या कोई लॉ पोलैरिटी वगैरह कहीं पे है क्या। तो ये देखिए, ये एक लॉ ऑफ पोलैरिटी जोन आपको दिख रहा है, काफी स्ट्रांग है। पहले रेसिस्टेंस था, इसको ब्रेक करके ये स्टॉक जो है ऊपर की तरफ गया और दोबारा अभी रीटेस्ट करके वहां पे सपोर्ट ले रहा है। तो ये एक बहुत अच्छे जोन में स्टॉक दिख रहा है। आगे देखते हैं, ये इसका एक रेसिस्टेंस है जो जिसने 2 बार इन पॉइंट के ऊपर रेसिस्टेंस लिया है। बट ये रेसिस्टेंस लगता है कि चूंकि नीचे से ब्रेकआउट आया है तो देखते हैं कि आगे क्या ये इसको ब्रेक करने की कोशिश करेगा। सपोर्ट देखते हैं, सपोर्ट कहाँ पे है। तो ये एक काफी लंबी सपोर्ट लाइन आपको दिख रही है और इन सब के बाद ये देखते हैं कि स्टॉक की जो आगे की जर्नी है वो जर्नी को देखने के लिए हमें कोई चैनल या कोई पैटर्न्स इसमें है या नहीं है। तो सबसे पहले आपको यहाँ दिख रहा होगा कि ये एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल इसमें बनता हुआ दिख रहा है, एक ये आपको डबल बॉटम दिख रहा होगा और मैं इसको यहाँ पे इसका नाम भी लिख देता हूँ दर्शकों की सुविधा के लिए। सो दो पैटर्न मुझे यहाँ दिख रहे थे, एक ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल दिख रहा है और ये डबल बॉटम दिख रहा है। अभी देखते हैं कि क्या इसमें कोई चैनल दिख रहा है क्या। तो देखते हैं, चैनल ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। तो इसमें देखिए, ये मैं ऐसे करता हूं कि ये बाकी चीजों को हाइड कर देता हूं जिससे कि चैनल आपको बहुत अच्छी तरह से दिखे। जस्ट 1 सेकंड दीजिएगा मुझे। तो अभी आपको ये चैनल बड़ा क्लियरली दिख रहा होगा। इस चैनल को मैं ऊपर की तरफ रिप्लिकेट करने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, ऊपर की तरफ भी परफेक्टली रिप्लिकेट हो रहा है। अभी आपने 3 4 चीजें इसमें देखी। इसमें एक वेज बन रहा था जिसको मैं दोबारा से एक बार दिखा देता हूँ। ये लॉ ऑफ पोलैरिटी मैंने दिखाया, ये रेसिस्टेंस और ये सपोर्ट। यदि रेसिस्टेंस और सपोर्ट को आप देखेंगे तो ये एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल आपको दिखा। उसके बाद में यदि आप नीचे की तरफ देखेंगे तो ये आपको डबल बॉटम दिखा। और इसकी ऊपर की जर्नी को देखने के लिए हमने एक चैनल ड्रॉ किया। तो अभी देखते हैं कि इसमें क्या ट्रेडिंग आइडिया अवेलेबल है। तो यदि आप करंट लेवल से देखेंगे तो 1 सेकंड दीजिए मुझे। ओके, करंट लेवल से देखेंगे तो आपको 10% का जो लेवल है ये आपको 1 सेकंड
इस लॉ ऑफ पोलैरिटी, सॉरी रेसिस्टेंस, यदि पहला रेसिस्टेंस है वहां तक आप इसको ले जाते हैं तो आपको एक 10% का अपसाइड इसमें दिखता है। यदि स्टॉक की जर्नी यहाँ से ऊपर चैनल में शुरू होती है तो आपको मैक्सिमम 36% तक का ट्रेडिंग आइडिया इसमें मिल सकता है। एक और लेवल यदि आप इसमें देखना चाहें तो यहाँ से लेकर के, और यदि आप चैनल के मिड पॉइंट तक जाते हैं तो अराउंड 20% का एक ट्रेडिंग आइडिया आपको मिलता है। तो इसमें तरह अलग हर तरह के ट्रेडर के लिए हमने आइडिया दिया है। जो बहुत शॉर्ट टर्म है उनके लिए 10%, जो थोड़ा सा और ऊपर देखना चाहते हैं उसके लिए 20%, और जो लोग उसको और भी आगे तक ले जाना चाहते हैं उनके लिए 35% का ट्रेडिंग आइडिया हमने पेश किया है। मैं आता हूं मनीष जी आपकी तरफ, तो मैं इसको एक बार फिर से समराइज कर देता हूं। इसमें दो जी सर, एक दो पैटर्न हमने दिखाए जो कि एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल और दो डबल बॉटम थे। साथ में हमने चैनल ड्रॉ किया जिसने ऊपर की जर्नी दिखाई। इस तरह से इस एक पीएसयू बैंक में आपको अच्छा ट्रेड अवेलेबल है। मेरी तरफ से यही एक शॉर्ट एंड स्वीट एनालिसिस था। अभी मैं मनीष जी और देवेन जी को रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी कुछ कहना चाहते हैं वो कह सकते हैं। यस देवन, बताइए क्या कहना है। मैं अपने व्यूअर्स को कहना चाहता हूँ कि हम लोगों ने लास्ट 2 वीक से हम पीएसयू सेक्टर पे हमारा एनालिसिस स्टार्ट किया, और पीएसयू सेक्टर के डिफरेंट डिफरेंट फील्ड के हम स्टॉक आपके लिए लेके आ रहे हैं। वो आप एक गुलदस्ता समझ सकते हो, तो उसमें से आपको जो फूल पसंद आए उसमें आप चुन के उसको आप तो आपके प्रॉफिट की जर्नी में उसकी महक पा सकते हो। तो लास्ट वीक हमने एक NMDC दिया था, इसके पहले हमने बैंक ऑफ बड़ौदा दिया है, उसके पहले हमने बैंक ऑफ इंडिया एक बार डिस्कस किया था हमारे यूट्यूब लाइव में, और दूसरा एक स्टॉक हमने आज इंश्योरेंस सेक्टर पे भी कल हमने डिस्कस किया। तो सब आपको एनालिसिस हम दे रहे, तो आप अपने आप जो स्टॉक को पसंद करते हो तो उस उसके हिसाब से आप अपने बकेट में डाल सकते हो उसको, और उसी हिसाब से आप उसके प्रॉफिट का आनंद ले सकते हो। ओम प्रकाश जी, थैंक यू सो मच फॉर योर डिटेल एनालिसिस। एक ही स्टॉक में आपने मल्टीपल ट्रेड आइडिया दिए, सब अलग अलग ट्रेडर के हिसाब से आपने अलग अलग प्रॉफिट लेवल के दे दिया, और एक ही स्टॉक में मल्टीपल पैटर्न भी विजिबल करवाए, तो बहुत ही डिटेल एनालिसिस था, तो बहुत ही दर्शकों को पसंद आएगा। हाँ जी मनीष जी, ओवर टू यू। थैंक यू देवेन, थैंक यू प्रकाश सर फॉर दिस वंडरफुल एनालिसिस। और लास्ट में एक डिस्क्लोजर और कि हम लोग सेबी रजिस्टर्ड एनालिसिस्ट नहीं है, ये सारी चीज़ें आपके एजुकेशनल पर्पस के लिए हैं, ट्रेडिंग आइडिया के लिए हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट करने के पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से, वित्तीय सलाहकार से एक बार सलाह जरूर लें। थैंक यू एवरीवन फॉर दिस पार्ट मनीष जी, ऑफ मनीष दिस जी मीटिंग। एक थैंक सेकंड यू में और लेना चाहूंगा, सॉरी। सर, प्लीज प्लीज सर, तो प्लीज सर। दर्शकों, यदि आप भी हमारे टीम की तरह मेरी तरह ये टेक्निकल एनालिसिस करना यदि सीखना चाहते हैं तो याद रखिए 17 सितंबर हमारा एक नया कोर्स शुरू हो रहा है। ये एक बेसिक कोर्स है, इसमें आप को हम सारे बेसिक सिखाएंगे। जिस तरह के एनालिसिस मैंने की है ये आप भी कर पाएंगे और एक अच्छे ट्रेडर और टेक्निकल एनालिस्ट आप बन सकते हैं। थैंक यू। जी, थैंक यू। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।